इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है बॉस्को वुशू चैंपियनशिप में। सो ये मेरे लिए पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी थी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की, एंड मेरा मैंने गोल्ड जीता। बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये जब जीता मेडल, जब मैंने फाइट जीती, जब गोल्ड फाइट जीती मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने रोया भी, लाइक मैंने 80 में मैंने जीता, इंडिया के लिए जीता। एंड देन जब मेडल सेरेमनी हुई तो इंडिया का फ्लैग पीछे से था, एंड तब मुझे बहुत प्राउड लगा अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी फेडरेशन, वुशू फेडरेशन को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि उनने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना आगे तक बढ़ाया। एंड मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को, जिनने मेरे लिए ट्वीट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। इतना कुछ किया मेरे लिए, आई एम रियली थैंकफुल। और मैं अपने कोचेस को थैंक यू करना चाहती हूँ, हमदी सर को करना चाहती हूँ, रमी सर को, एजाज सर को, मकसूद सर को, इरफान सर को, सब कुछ इसको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। इनकी ही वजह से मैं इतना आज आगे बढ़ी हूँ, वरना अगर ये प्रैक्टिस नहीं कराती तो आज मैं यहाँ नहीं हूँ। तो मैं इनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है मेरे को आज कि सच में इतना प्यार मिला मुझे। अभी इतना कभी कुछ प्यार नहीं मिला है इंडिया के लोगों से। आज मैं देखूँ कि इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हो, कंग्रेचुलेट मुझे कर रहे हो, तो आई रियली थैंकफुल। ये तो अभी मेरी शुरुआत ही है इससे खेलना, ये सब अब मेरी गेम स्टार्ट हुई है। अब मेरे को और प्रूव करना है कि मैं और आगे कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसा इतना अच्छा सा हॉल बने जहाँ पे सारे इंडिया के प्रैक्टिस करने आए, कुछ ऐसी चीज बने जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि और कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर का टैलेंट उभर के आए वुशू में। वुशू पहले से ही बहुत अच्छा था, अब इंडिया में पहले से ही बहुत अच्छा था, अब मैं चाहती हूँ ये और आगे चले जाए।